अरे 45 मीटर इस पे निशान लगा दिया, ठीक है। देख रहे हो गाइस कितनी जल्दी जल्दी पीक खुल लिया, उसमें जो ऊपर वाला रहता है ना ये सामने वॉल पे नॉक। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? सो यार भाई लोग, यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा एंड इंटरेस्टिंग होगा एंड कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आपको कोई नहीं बताता है। तो यार आज की वीडियो में यार मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट खोज डाला है यार, एंड ये चीज़ लिटरली काफ़ी अच्छी है एंड मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा काम करी है, होप सो आपके लिए भी बहुत अच्छा काम करेगी। तो बेसिकली सीन यहाँ पे है कि यार हम मैंने अब स्टार्ट कर दिए दो शूटिंग बटन यूज़ करना, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। चलिए मैं पहले आपको थोड़ा लेआउट पे लेके चलता हूँ एंड समझाता हूँ कि सिस्टम आखिर में है क्या। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर ना देखेंगे तो मैं ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से है मेरा लेआउट इस समय, एंड यहाँ पे मैंने अब दो शूटिंग बटन्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। एक शूटिंग बटन है मेरा ऊपर जो मैं मिडिल फिंगर से करूँगा क्योंकि मैं सिक्स फिंगर खेलता हूँ, एंड उसके बाद एक शूटिंग बटन है मेरा नीचे थंब पे। ऐसा क्यों किया है मैंने, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने चाइना के काफ़ी प्रोज बंदों को देखा है जैसे पैरा बॉय, तो वो भी थंब से शूट करता है। अगर आपने किसी और अच्छे बंदों को देखा है चाइना के, जैसे कि यांग वांग क्यू या जो भी उसका नाम है, तो वो थंब से पीक करता है। क्यों? क्योंकि यार अगर आप लोगों को एक बात नहीं पता तो मैं बता दूं, ये बड़े से बड़े प्रो कहते हैं कि थंब पे आप जो भी चीज़ रखोगे वो आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप उस चीज़ को मास्टर करना चाहते हो एंड उसके प्रति आपको डेडिकेशन है, ठीक है। आपको पता है कि सोल वाइपर को क्यों कहते हैं कि वो इंडिया में बहुत अच्छा क्लोज कॉम्बैट खेलता है? क्योंकि वो थंब पे खेलता है। थंब पे एक चीज़ क्या होती है ना कि जब भी आप क्लोज कॉम्बैट खेलते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे हूँ तो देख रहे हो मैं कितनी तेज़ तेज़ लेफ्ट राइट कर रहा हूँ अपने जॉयस्टिक से, देख रहे हो गाइस? यही चीज़ होती है, अगर आप लेफ्ट राइट करोगे तो सामने वाला बंदा आपके ऊपर एम मिस करेगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी ऊपर वाली फिंगर्स पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, या कहें तो थंब पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरे थंब पे शूटिंग बटन रहता है तो इसलिए मेरे को क्लोज रेंज में बहुत फ़ायदा मिलता है। इसीलिए मेरा पहले वाला सेटअप जो आपकी आपके हमने स्क्रीन में आ रहा होगा वो मैंने इसीलिए बनाया हुआ था। पर लेकिन सीन क्या होता है गाइज, मेरी वहाँ पे मिडिल फिंगर से पीक थी, तो जब भी मैं मिडिल फिंगर में पीक खोलता था तो यार मेरे को प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वहाँ पे मेरी फिंगर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था एंड इतना स्ट्रेस आता था कि मैं बार बार पीक्स को चेंज नहीं कर पाता था। लाइक दैट से मैं यहाँ पर ड्रिल करता हूँ ना अपनी, देखिए ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो अब मैं इसका सलूशन क्या निकालूं, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है कि जब भी मेरी मिड रेंज फाइट होगी तब भी मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड मैं ऐसे देख रहे हो ऊपर वाले बटन से शूट करूँगा, एंड जब भी मेरी क्लोज रेंज फाइट होगी तो मैं यहाँ से शूट करूँगा। तो इसमें मेरे क्लोज रेंज का फ़ायदा भी मिल गया, मेरे को पीक का भी फ़ायदा मिल गया। देख सकते हो अब यहाँ पे मेरी पीक कितनी अच्छी लगने लगी क्योंकि मैं थंब से कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको अब कुछ डिस्क करके दिखाता हूँ ना, आपको उसके बाद ही खुद ही एक्सप्लेन होगा कि भाई यहाँ सच में लड़का सही बोल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन सा मीटर है, 45 मीटर है, इस पर निशान लगा दिया, ठीक है। देख रहे हो गाइस कितनी जल्दी जल्दी पीक खुल लिया, उसमें जब ऊपर वाला रहता ना तो मैं एक दो बार तो खोल लेता था, उसके बाद इतना ज़्यादा मेरा पैनिक हो जाता था कि मेरी उंगलियाँ काम ही करना बंद कर देती थी। तो इसीलिए गाइस मैंने यहाँ पे अब इसको ऐसे किया है, थंब पे पीक रखने का फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होता था, पर लेकिन क्या होता था जब भी मैं ऊपर वाले बटन से इससे शूट करता तो मेरा क्लोज रेंज एकदम हग देता है एंड इट्स टू। दैट्स वाई मैंने यार यहाँ पे एक सोल्यूशन निकाला है कि अब से मैं टू शूटिंग बटन यूज़ करूँगा एंड वो लिटरली मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है और मेरे को लग भी रहा है कि हाँ मेरा गेम सही हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग टैप टैप को पसंद करते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि टैप टैप के लिए सब लोग थंब पे रख रहे हैं बटन, आजकल एक बटन रहता है ये सबका नीचे थंब पे, पर कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा कि भाई कोई चाहेगा हो ना कि दूसरा भी कोई इंप्रूव मारे। तो इसीलिए कहा सर यहाँ पे जो टैप टैप के लिए ना मैंने भी ये बटन रखा है नीचे, तो देख रहे हो कितनी तेज तेज टैप टैप हो रही है। इस बटन से आप टैप टैप भी कर सकते हो, तो आपका डबल फायदा भी है, क्लोज रेंज का भी हो जाएगा एंड आपका टैप टैप भी हो जाएगा। इसीलिए गाइस मैंने ये अपने कह सकते हैं कि जो पहले के दो सेटअप्स थे उन दोनों को कंबाइन करके एक न्यू सेटअप टाइप का जो इसको आविष्कार दे दिया है कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको कुछ बहुत फेमस डिल्स करके दिखाता हूँ जो मतलब हमारे स्काउट भैया लोग वगैरह सिखाते हैं हमें, तो चलिए मैं आपको कुछ डिल्स करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आएंगे एंड चलिए इस बार हम लोग टारगेट करते हैं थोड़ा सा और क्रिटिकल 40 मीटर वाले को, ठीक है। कितना क्लोज है देख रहे हो,
देख रहे हो गाइस, बार बार क्राउच भी ओपन हो रही है और बार बार शूट भी हो रहा है, कितना सही हो रही है ड्रिल यार। इसी वजह से गाइस मैंने ये किया है। और अगर मैं अपना पहले सेटअप पे स्विच करता हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ना पहले सेटअप, वो भी लगा पड़ा है मेरा, ये देखिए मेरा पहले वाला सेटअप। अब देखो गाइस, इससे भी पीक अच्छी तो उससे भी होती है, ये देखो गाइस अच्छी तो पीक इससे भी होती है, पर देख रहे हो गाइस थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं जॉयस्टिक कंट्रोल में नहीं है, इधर उधर जा रही है और मैं क्राउड से ऊपर नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सही जमती नहीं है। पर लेकिन यहाँ पे गाइस जो मेरे को इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है टी डम्स कस्टम वगैरह में भी अपने दोस्तों के अगेंस्ट में, वो यार अनबिलीवेबल है। साथ ही मेरा एम भी एकदम हेड पर ही जा रहा है बार बार। तो इसी वजह से गाइस मैंने ये वाली पीक वाला जो सेटअप है उसको मास्टर किया है टू शूटिंग बटन्स का। एंड मैं सोचा कि आपसे भी शेयर करूँ कि आप भी कैसे टू शूटिंग बटन्स को मास्टर कर सकते हो। एंड ट्राई ज़रूर करना एक बार, अगर आपको थोड़ा सा ख़राब भी लगे तो कोई बात नहीं, कि आपको ना बीच बीच में एक बार मिसलीडिंग होगी, मतलब आपके सामने बंदा आ जाएगा एंड आप यहाँ से मारने की बजाय यहाँ से मारने लग जाओगे ऊपर वाले बटन से, वो सब चीज़ें होंगी। पर लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, बैक टू बैक अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा, नहीं जब भी बंदा क्लोज में आए तो मेरे को इस बटन से मारना है, क्योंकि जब भी आप इस बटन से मारोगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो गाइस यार होप्स उम्मीद आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, साइकोबॉट।